बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लोकेटर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए DHA फेज 6 लाहौर में एक और कनाल का घर लेकर आया हूं, जो कि इस वक्त मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल है। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह मॉडर्न डिज़ाइन में इस घर को तैयार किया गया है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर आपको 2 बेडरूम्स और फर्स्ट फ्लोर पर 3 बेडरूम्स मिल जाते हैं। इस घर का जो ग्राउंड फ्लोर पर मास्टर बेडरूम है उसको कम्प्लीट फर्निश्ड किया गया है बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह तरीके से। इस प्लॉट की जो साइज़ है वो सेम है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, DHA के 1 कनाल के जो प्लॉट का साइज़ होता है, यानी 50x90। और वीडियो देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के दौरान ही मैं इस घर की सारी डिटेल्स और फिर प्राइस शेयर करूँगा। घर में अंदर जाने से पहले मैं आपको इस घर का स्ट्रीट ओवरव्यू दिखा देता हूँ। अब बढ़ते हैं घर के अंदर के हिस्से की जानिब। उससे पहले ये बाहर का जो इसका लॉन एरिया है वो देख सकते हैं आप, और ये है हमारे घर के बाहर का रैंप। पूरे घर में इटालियन और स्पेनिश टाइल्स का यूज़ किया गया है। ये आप देख सकते हैं इस घर का मेन गेट, जिसको वुडन टेक्सचर में कलर किया गया है। और इधर से इस घर की मेन एंट्रेंस, जिसमें एंटर होते ही आपको इतना कार पोर्च मिल जाता है जहाँ पे 2 से 3 सिडान कार्स इजीली पार्क की जा सकती हैं। सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं। एंटर होते ही राइट साइड पे इस घर का इनर लॉन डिज़ाइन किया गया बहुत ही एलिगेंट और ख़ूबसूरत सा। उसके आगे सामने आप देख सकते हैं कि सिटिंग प्लेस भी डिज़ाइन की गई है। और यहाँ पर आपको जो पोर्च वाल है वहाँ पे वॉल डिज़ाइनिंग देख सकते हैं। और ये है इस घर का एंट्रेंस डोर, 8 फुट इसकी हाइट है टोटल। पूरे घर में येलो पाइन वुड और सॉलिड ऐश वुड का यूज़ किया गया है सारे दरवाजे बनाने के लिए। इस घर की एंट्रेंस से पहले जो फुट स्टेप्स है वहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक ग्रेनाइट का यूज़ किया गया। घर में एंटर होते ही बिल्कुल राइट साइड पे इस घर का जो ड्राइंग रूम है उसको डिज़ाइन किया गया, जिसमें आपको फ्लोरिंग सुपर ग्लोसी वुडन की मिलती है। सामने बहुत ही खूबसूरत वॉल डिज़ाइन की गई है, उसके ऊपर इन्वर्टर एसी भी इंस्टॉल्ड है। सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं। सेंटर में खूबसूरत सा शैंडिलियर लगाया गया है, और जबकि यहाँ पे स्लाइडिंग विंडोज़ बनाई गई हैं एलुमिनियम की, जिससे आप अपने बाहर के लॉन का व्यू देख सकते हैं। ड्राइंग रूम से जैसे ही आप बाहर आते हैं उसके बिल्कुल सामने आपको मिल जाता है इस घर का डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम की आप सीलिंग देख सकते हैं। सामने स्लाइडिंग विंडोज़ अगेन ओपन एयर की वेंटिलेशन के लिए, उसके ऊपर हायर कंपनी का इन्वर्टर एसी इंस्टॉल्ड है। और ये है डाइनिंग रूम की मीडिया वॉल, आप इसको बोल सकते हैं। और यहाँ राइट साइड से जो किचन है उसकी एक्सेस दी गई है, एक यहाँ से है और एक बाहर टीवी लाउंज से दी गई है। मैं अब आपको बाहर से लेके चलता हूँ। बहुत ही खूबसूरत इस घर में आपको एस शेप्ड स्टेयर्स मिल जाती हैं जो कि फर्स्ट फ्लोर तक लेके जा रही हैं। यहाँ थोड़ा सा आगे आते ही राइट साइड पे आप देख सकते हैं आगे पाउडर रूम डिज़ाइन किया गया है इस घर का। और अंडर दी स्टेयर्स यहाँ पे काफ़ी स्पेस दी गई है, जिसको आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जैसे चाहें डेकोरेट या डिज़ाइन कर सकते हैं। ये है पाउडर रूम, और उसका मैं आपको डोर डिज़ाइन दिखा देता हूँ।
जैसे ही आप सामने एंटर होते हैं, बहुत ही खूबसूरत सी वैनिटी बनाई गई है यहाँ पे, उसके ऊपर मिरर आपको मिल जाता है, और यहाँ राइट साइड पे ओपन एयर की वेंटिलेशन के लिए विंडोज इंस्टॉल्ड हैं। और यहाँ राइट साइड पे वॉल फिटेड कमोड, पूरे घर में एल्का और वाइट्रा कंपनी की वॉशरूम एक्सेसरीज का यूज़ किया गया। और यहाँ से हमारे टीवी लाउंज की एक्सेस है। टीवी लाउंज देख सकते हैं, इसका सीलिंग वर्क सारा, सामने एल्यूमिनियम की स्लाइडिंग विंडोज ओपन एयर की वेंटिलेशन के लिए, उसके ऊपर अगेन हायर कंपनी का इन्वर्टर एसी, और जबकि ये टीवी लाउंज की आप बहुत ही खूबसूरत सी मीडिया वॉल देख सकते हैं। और टीवी लाउंज के यहाँ सामने स्लाइडिंग डोर्स का यूज़ किया गया है किचन को और टीवी लाउंज को सेपरेट करने के लिए, जिसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि ग्लास और वुड का कम्बिनेशन के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। आप जैसे ही टीवी लाउंज से एंटर होते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न किचन। और यहाँ पे हायर कंपनी की जानिब से टू डोर रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव अवन भी इंस्टॉल्ड मिलता है आपको। वॉश बेसन देख सकते हैं, उसके ऊपर स्लाइडिंग विंडोज अगेन ओपन एयर की वेंटिलेशन के लिए। जिस यूवी शीट का यूज़ किया गया इन कवर्स को बनाने के लिए वो देख सकते हैं, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की शीट्स को यूज़ किया गया, और टेक्स्चर इसका देख सकते हैं आप। यहाँ सामने आपको मिल जाता है बर्नर और उसके ऊपर कुकिंग हुड, किचन हुड भी जिसको बोलते हैं। इस किचन की स्लैब्स को बनाने के लिए भी बैकलाइट मटेरियल का यूज़ किया गया। व्यूवर्स, मैं पहले बता चुका हूँ कि बैकलाइट मटेरियल जो है वो दिखने में ग्रेनाइट की तरह होता है, लेकिन प्रीमियम क्वालिटी और उससे अच्छी क्वालिटी समझी जाती है। और यहाँ पे इस किचन का जो सर्विस किचन है उसकी भी एक्सेस दी गई है। यहाँ बर्नर इंस्टॉल्ड है, उसके ऊपर किचन हुड, यहाँ पे ब्लैक ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है और ब्लैक मैट कलर के यूवी शीट्स का यूज़ किया गया है यहाँ पे कवर्स को बनाने के लिए, ब्राउन कलर के कम्बिनेशन के साथ। और इधर से आप अपने गैलरी एरिया से अपने किचन की एक्सेस ले सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इस घर का जो ग्राउंड फ्लोर है उसके मास्टर बेडरूम की जानिब। ये इस घर का जो मास्टर बेडरूम है, यहाँ पे भी आपको फ्लोरिंग सुपर ग्लोसी वुडन की मिल जाती है और कंप्लीट फर्निश किया गया। सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। बेड वॉल बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह डिज़ाइन की गई है, नीचे कारपेट। और यहाँ सामने इस बेडरूम की मीडिया वॉल, सामने ऊपर देख सकते हैं हायर कंपनी की जानिब से अगेन इन्वर्टर एसी, और सामने वाली जो वॉल है वहाँ पे इम्पोर्टेड वॉलपेपर को इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पे जो विंडोज़ हैं वहाँ पे ब्लाइंडर्स लगाए गए हैं, और यहाँ स्लाइडिंग विंडो के आगे कर्टन्स भी इंस्टॉल्ड हैं।
और ये है इस मास्टर बेडरूम का अटैच वॉशरूम, जिसमें एंटर होते ही बिल्कुल सामने आपको बहुत ही खूबसूरत सी वार्डरोब मिल जाती है। यहाँ पे क्यूबिकल शावर एरिया डिजाइन किया गया है, उसके ऊपर आप रेन शावर देख सकते हैं। जैसे ही आप इस वॉशरूम में एंटर होते हैं, लेफ्ट साइड पे आपको डबल वैनिटी मिल जाती है बहुत ही खूबसूरत, उसके ऊपर मिरर आपको मिल जाता है, और उसकी बिल्कुल बैक साइड पे बहुत ही खूबसूरती से जकूजी को इंस्टॉल किया गया है। और यहाँ सामने आपको मिल जाता है वॉल फिटेड कमोड, जबकि कमोड की लेफ्ट साइड पे आपको क्यूबिकल शावर रूम मिल जाते हैं। मास्टर बेडरूम और बेडरूम नंबर 2 के जो सेंटर में यहाँ पे स्पेस है, वहाँ पे कंप्लीट मिरर का यूज़ करके इस वॉल को डेकोरेट किया गया है। और ये है बेडरूम नंबर 2, सीलिंग डिज़ाइन आप इसका देख सकते हैं। ये है बेडरूम वॉल, जिसपे अगेन आपको ऊपर हायर कंपनी का इन्वर्टर एसी मिल जाता है। राइट और लेफ्ट साइड पे डबल स्लाइडिंग विंडोज इंस्टॉल्ड हैं, और यहाँ पे भी वॉलपेपर इंस्टॉल्ड है, इम्पोर्टेड वॉलपेपर। और सामने है मीडिया वॉल इस बेडरूम की, और यहाँ से राइट साइड पे आप देख सकते हैं इस बेडरूम का अटैच वॉशरूम। राइट साइड पे आपको मिल जाती है वैनिटी, उसके ऊपर मिरर, सीलिंग डिज़ाइन आप देख लें। यहाँ पे क्यूबिकल शॉवर एरिया, उसके ऊपर आप देख सकते हैं रेन शॉवर इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे एग्जास्ट फैन इंस्टॉल्ड है रॉयल कंपनी की जानिब से। ऊपर स्लाइडिंग विंडोज दी गई हैं यहाँ पे ओपन एयर की वेंटिलेशन के लिए, और इधर नीचे आपको वॉल फिटेड कमोड मिल जाता है। जबकि यहाँ पे इस वॉशरूम की वार्डरोब को डिज़ाइन किया गया है। तो व्यूवर्स, इसी के साथ हमारे ग्राउंड फ्लोर का ओवरव्यू कंप्लीट होता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस घर का जो फर्स्ट फ्लोर का प्लान है उसकी तरफ। एक दफ़ा मैं यहाँ से आपको व्यू दिखा देता हूँ नीचे से जब ऊपर हम जा रहे होते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एलिगेंट तरीके से इस घर को डिज़ाइन किया गया। यहाँ पे फुट स्टेप्स पे अगेन आपको ब्लैक ग्रेनाइट का यूज़ देखने को मिलता है। आप जैसे ही ऊपर आते हैं, दो तरफ जो इसकी स्टेयर्स हैं वो डिवाइड हो जाती हैं। यहाँ राइट साइड पे इसका एक बेडरूम डिज़ाइन किया गया है, मैं वो पहले आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ से ऊपर आते ही आपको मिल जाता है फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम नंबर 1, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुपर ग्लोसी वुडन फ्लोरिंग का यूज़ किया गया है। यहाँ पे भी बहुत ही एरी और बहुत ही लाइटनिंग का ख्याल करके इस रूम को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्लाइडिंग विंडोज़ का यूज़ किया गया है, जहाँ से आप अपने ओपन एरिया की एक्सेस ले सकते हैं। सामने सीटिंग प्लेस भी डिज़ाइन कर दी गई है, और फायर किट भी इंस्टॉल्ड है। और यहाँ पे आप देखते हैं तो फ्रंट जो इसका टेरेस है वहाँ से एक्सेस ले सकते हैं। अगेन एलुमिनियम की ही ये बनाई हुई विंडोज़ हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस बेडरूम के साथ सिटिंग प्लेस डिज़ाइन की गई है सामने, और काफ़ी स्पेस है जिसको आप चाहें अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग प्लांटेशन या जैसे मर्जी चाहें डिज़ाइन कर सकते हैं। और वहाँ लेफ्ट साइड पे वाटर नल भी इंस्टॉल कर दिया गया। सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं आप इसका। और यहाँ सामने आपको मिल जाता है इस
बेडरूम का अटैच्ड वॉशरूम, जिसमें जैसे ही आप एंटर होते हैं राइट साइड पे आपको डबल वैनिटी मिल जाती है, बहुत ही खूबसूरत, उसके ऊपर ह्यूज मिरर, सामने वॉल फिटेड कमोड मिल जाता है, और उसके लेफ्ट साइड पे क्यूबिकल शावर रूम, ऊपर आप देख सकते हैं रेन शावर इंस्टॉल्ड है, और वहाँ राइट साइड पे ऊपर रॉयल कंपनी की जानिब से एग्जास्ट फैन भी इंस्टॉल्ड है, जबकि यहाँ पे विंडो दे दी गई है ओपन एयर की वेंटिलेशन के लिए भी। मैं यहाँ से भी आपको व्यू दिखा रहा था इस वॉशरूम का, और यहाँ पे वार्डरोब डिज़ाइन कर दी गई है इस वॉशरूम की। सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं, सामने वॉल डिज़ाइन बहुत ही एलिगेंट और खूबसूरत सी लुक दे रहा है पूरा घर माशाल्लाह। आप जैसे ही स्टेयरकेस से ऊपर आते हैं, ऊपर आते ही सेपरेशन आपको देखने में मिल जाती है, एक साइड पे बिल्कुल एक बेडरूम मिल जाता है आपको, और जबकि दूसरी साइड से आप जैसे ही ऊपर सामने जाते हैं आपको ऊपर का मिल जाता है टीवी लाउंज। जैसे ही आप ऊपर आते हैं बिल्कुल सामने यहाँ पे इस टीवी लाउंज की मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं घर के बाहर का व्यू, ऊपर अगेन हायर कंपनी की जानिब से इन्वर्टर एसी इंस्टॉल्ड है। सीलिंग डिज़ाइन मैं आपको दिखा रहता हूँ, सामने आपको ओपन किचन मिल जाता है जहाँ पे बर्नर और किचन हुड भी इंस्टॉल्ड है, कैबिनेट्स बनाई गई हैं। उसकी लेफ्ट साइड पे यहाँ से भी आपको एक्सेस दी गई है, आप अपने ओपन एरिया की जानिब एक्सेस ले सकते हैं, और इधर से आप अपने नीचे का जो व्यू है उसका वो देख सकते हैं। कंप्लीट वॉलपेपर इंस्टॉल्ड है इस मीडिया वॉल पे भी। ये सामने स्टोर रूम, सामने आपको एक स्लैब भी मिल जाती है, और इधर टीवी लाउंज के पीछे आपको मिल जाता है बेडरूम नंबर टू, जिसमें जैसे ही आप एंटर होते हैं सामने बेडरूम वॉल बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे डिज़ाइन की गई है, ऊपर अगेन इन्वर्टर एसी आपको मिल जाता है, बहुत ही एलिगेंट सा इसका सीलिंग डिज़ाइन। और इधर से भी आप अपने ओपन एरिया की एक्सेस ले सकते हैं। इस घर में बहुत ही एक अच्छी चीज़ ये भी आपको मिल जाती है कि तकरीबन हर बेडरूम के साथ ही अटैच उन्होंने ओपन एरिया की एक्सेस के लिए रास्ता दिया है, जहाँ पे उन्होंने सिटिंग प्लेस भी डिज़ाइन कर दी है, और सामने वाटर नल भी इंस्टॉल्ड है, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप इस जगह को यूज़ कर सकते हैं। ये है मीडिया वॉल इस बेडरूम की। और इधर आपको मिल जाता है इस बेडरूम का अटैच्ड वॉशरूम, जिसमें बिल्कुल सामने क्यूबिकल शावर रूम डिज़ाइन किया गया, उसके ऊपर आप रेन शावर देख सकते हैं, एग्जास्ट फैन, और वेरी राइट पे खूबसूरत सी वैनिटी मिल जाती है, और उसके ऊपर आपको मिरर, और यहाँ पे अगेन आपको वॉल फिटेड कमोड मिल जाता है, जिसके ऊपर ओपन एयर की वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ भी डिज़ाइन की गई हैं, और जबकि यहाँ पे वार्डरोब बनाई गई है इस बाथरूम की। वुडन टेक्सचर में इस यूवी शीट का यूज़ किया गया है इस वार्डरोब को बनाने के लिए। और इधर बेडरूम नंबर टू के सामने फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम नंबर थ्री, जबकि इस पूरे घर का ये बेडरूम नंबर फाइव है, जिसमें अगेन बिल्कुल सामने आपको खूबसूरत सी बेडरूम वॉल मिल जाती है, इसका सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ये बेडरूम वॉल का आप डिज़ाइन देख सकते हैं। और यहाँ पे सामने मीडिया वॉल, अगेन यहाँ पे एल्यूमिनियम की विंडोज़ मिल जाती हैं आपको, जो ओपन एरिया है उसकी एक्सेस के लिए, एक एक्सेस मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ से है, एक उधर सामने से टीवी लाउंज से, और एक उधर सामने वेरी लेफ्ट से जो बेडरूम नंबर वन मैंने आपको दिखाया था, आप तीनों जगहों से इस एरिया की एक्सेस ले सकते हैं।
और ये है इस बेडरूम का अटैच्ड वॉशरूम, जिसमें अगेन आपको सामने मिल जाती है खूबसूरत वैनिटी, उसके ऊपर मिरर, और वेरी लेफ्ट पे आपको मिल जाता है वॉल फिटेड कमोड, जबकि सामने काफ़ी बड़ा क्यूबिकल शावर रूम आपको मिल जाता है। ऊपर आपको मिल जाता है रेन शावर, और उसके राइट साइड पे रॉयल कंपनी की जानिब से एग्जास्ट फैन, जबकि इस वॉशरूम में एंटर होते ही राइट साइड पे इस वॉशरूम की वार्डरोब के डिज़ाइन किया गया है सेम उसी यूवी शीट का यूज़ करके जो भी मैं पिछले बेडरूम का जो अटैच वॉशरूम है वो आपको दिखा चुका हूँ। पूरे घर में टोटल 9 इन्वर्टर एसीज इंस्टॉल्ड हैं इस कंप्लीट घर में। इसी के साथ व्यूवर्स हमारे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का ओवरव्यू कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस घर का जो सर्वेंट क्वार्टर है उनको बैक साइड पे ऊपर बनाया गया है। ये मैं आपको व्यू दिखा रहा था, आप जैसे नीचे आ रहे होते हैं बहुत ही खूबसूरत आपको व्यू मिलते हैं। सामने आपको डाइनिंग रूम मिल जाता है, जबकि यहाँ लेफ्ट साइड पर ड्राइंग रूम, और यहाँ राइट साइड से आप ग्राउंड फ्लोर का जो फर्दर प्लान है उसकी एक्सेस ले सकते हैं। इस जगह को भी आप एज अ लॉन्ड्री एरिया यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे भी एक वॉशरूम बनाया गया है। ये वॉल डिज़ाइन आप देख सकते हैं सिंथेटिक ग्रास और टाइल्स का यूज़ करके इसको डिज़ाइन किया गया है। जो इसका आउटर लेआउट है वहाँ पे कंप्लीट ग्राफी का यूज़ किया गया है। ये है सर्वेंट्स के लिए वॉशरूम, और यहाँ पे ऊपर बनाए गए हैं 2 सर्वेंट क्वार्टर। यहाँ पे भी वाटर नल इंस्टॉल्ड है। और यहाँ पे भी आपको 2 वाटर नल मिल जाते हैं। तो व्यूवर्स इसी के साथ हमारे इस घर का ओवरव्यू कंप्लीट होता है। इस घर की जो डिमांडिंग प्राइस है वो 725 है, यानी 7,50,00,000 रुपए इस घर की डिमांड है। प्राइस इसकी नेगोशिएबल है, और मज़ीद किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इन फ्यूचर भी आपको मज़ीद खूबसूरत घरों की वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।